सोचा नहीं था कि जापान में भी इतनी बढ़िया लाइव एक्शन सीरीज बन रही हैं, जैसे कि टोक्यो स्विंडलर मैंने एक सीरीज देखी थी वो भी काफी बढ़िया थी। और आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड वेब सीरीज के बारे में। नेटफ्लिक्स पर इसको रिलीज किया गया, इसके 2 सीजन आ चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक देखो इसका फर्स्ट सीजन ही देखा है। इसके अंदर 8 एपिसोड है, और ऐसा नहीं है कि मैं दोनों ही एपिसोड देख के एक ही वीडियो बना देता, नहीं यार मुझे भी कंटेंट चाहिए ना यार, मतलब अपने चैनल पर वीडियो डालने के लिए। अब दो दो सीजन देख के एक ही वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, तो चिल्लर मुझे मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसके फर्स्ट सीजन में 8 एपिसोड हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी लेंथ हर एक एपिसोड की वही 50 मिनट के आसपास रखी गई है। तो अब बात करते हैं इस सीरीज की कहानी क्या है, क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। टोक्यो एक शहर जो जापान के अंदर है, जहां पर एकदम से अचानक से सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं, मतलब कोई भी नहीं रहता, और टोक्यो शहर को एक गेम एरिना या फिर कहीं की गेम जोन या फिर कहीं गेम खेलने की जगह बना दिया जाता है। वो PlayStation 5 नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिजिटल गेम खेलना है, इलेक्ट्रॉनिक गेम खेलना है, नहीं, वहां पर गेम खेलना है या तो भैया जियोगे या मरोगे, अपने आप को बचाने का गेम है। ऐसे ही 3 दोस्त आरिशु और उसके 2 दोस्त हमें देखने को मिलते हैं जो इस तरीके का गेम खेलते हैं, और भी बाकी जो लोग हैं वो दिखाए गए जो ये गेम खेलते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अब सोचोगे यार जिंदा रखने के लिए गेम खेलना क्या जरूरी है, ऑब्वियसली इसके अंदर मैंडेटरी, ये कंपलसरी रूल है, अगर गेम नहीं खेलोगे टोक्यो शहर में आप कहीं पर भी छुपे हो, मतलब आप क्यों, जो इसके अंदर जो भी लोग हैं वो कहीं पर भी छुपे हैं, एक लेजर आएगी वो उनको मार देगी, चाहे वो कहीं पर भी छुप के बैठे हो, कितनी भी बढ़िया उनकी प्रोटेक्शन हो, उनको मार दिया जाएगा। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनको ये गेम खेलनी है, और इनाम के स्वरूप उनको मिलता है कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, देखो भैया 5 दिन तक 2 दिन तक गेम मत खेलो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन जैसे ही ये दिन खत्म हो जाएंगे वापस आ जाओ उन दिन को रिवाइव करने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए, ऐसे समझ लो, और गेम खेलो, जीतो जिंदा रह गए तो भैया फिर से दिन मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलने वाली है इस सीरीज के अंदर। तो आरिशु और उसके 2 दोस्त जो है वो कैसे अपने आप को जिंदा रखते हैं, कैसे कैसे गेम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीजें दिलचस्प इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको सीरीज देखनी होगी। तो ये होगी इस सीरीज की अच्छी अच्छी मतलब स्टोरी। अब बात करते हैं इस सीरीज में क्या अच्छा है जो इस सीरीज को हमें देखना चाहिए। जो इसके गेम्स हैं हर एक एपिसोड के साथ जो गेम्स हमारे सामने आते हैं वो यार बहुत ज्यादा बढ़िया है। एक क्यूरियोसिटी हमारी बनती है कि यार इसमें अब आगे क्या देखने को मिलने वाला है, इतनी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। जो भी गेम्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो एक नए मेथड के द्वारा हमारे सामने आते हैं, कोई भी रिपीटेड कंटेंट नजर नहीं आता कि यार आपने पिछले गेम में देखा कि यार ऐसा था, उसके अंदर अगले एपिसोड में देख रहे हो वही गेम फिर से रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई भी अननेसेसरी सीन इसके अंदर नहीं डाला गया, जितने भी गेम्स हैं एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे सामने आते हैं, जैसे कोई गेम टीम के साथ खेला जाएगा, कोई इंडिविजुअल के साथ खेला जाएगा, मतलब इंडिविजुअली खेला जाएगा, और लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस हद तक चले जाते हैं ये मतलब देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। मतलब मुझे किसी को मार धाड़ मतलब कत्लेआम होते नहीं देखना, मतलब जो खैर समझ रहे हो ना। और पर्सनली बात करूं तो देखो मुझे इसका 3rd एपिसोड और इसका 8th एपिसोड मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि बाकी एपिसोड मुझे पसंद नहीं आए, 8 एपिसोड है सिर्फ 2 ही एपिसोड पसंद आए और बाकी 6 एपिसोड पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बढ़िया है, सारे बढ़िया है, लेकिन एक पर्सनल जो व्यू है उसका बता रहा हूँ कि मुझे 3rd एपिसोड एक इसलिए पसंद है क्योंकि उसके अंदर एक इमोशनल एंगल देखने को मिलता है यार। वो तो यार सच में मेरा मुंह खुला खुला रह गया यार, क्या दिखा दिया इन्होंने यार, क्या चीजें इसके अंदर आ गई। और बाकी भी एपिसोड काफी बढ़िया है, मतलब आपको भी कुछ ऐसा हो सकता है ना कि इस सीरीज के अंदर अगर आपने देख रखा हो तो शायद आपको कोई पर्सनली एक इंडिविजुअल एपिसोड आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। मेकर्स ने कमाल किया इस सीरीज को बनाने में, और जो इस सीरीज में BGM है यानी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बढ़िया है। एक एक्साइटमेंट जो सीन आता है या फिर एक सस्पेंस सीन आता है उसके अंदर जो BGM होता है वो उसके मतलब इंटरेस्ट लेवल को और ज्यादा बढ़ा देता है। और जो भी करेक्टर है इसके अंदर वो एक करेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, हालांकि थोड़ी बहुत है, लेकिन हाँ फोकस किया गया कि हाँ भी करेक्टर डेवलपमेंट आपको दिखाएंगे, ये पहले क्या था अब कैसे है, मतलब वो खुल के चीजें नहीं बता सकता, फिर वो स्पॉइलर वाली बात आ जाती है, पसीने से बुरा हाल हो चुका है, इतना ज्यादा पसीना आ रहा है। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। हाँ एक और चीज रह गई कि इसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ डेफिनेटली सबने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब 100% अपना ईमानदारी से काम निभाया है। तो ये होगी इसकी अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या हमें कमियां देखने को मिलने वाली है। देखो इतना मैंने ढूंढा इस सीरीज के अंदर, मुझे कुछ खास कमियां नजर नहीं आई। हाँ जो एक कमी मैं कह सकता हूँ इस सीरीज के अंदर जो मुझे लगी, Season 1 के अंदर देखो आप चीजें दिखा रहे हो गेम से रिलेटेड, भाई गेम खेलो नहीं खेलोगे तो मर जाओगे, तो एक क्यूरियोसिटी हमारी एक फर्स्ट एपिसोड से रहती है कि यार इसके अंदर कि भाई ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या रीजन है, वो चीजें हमें जाननी थी। मतलब फर्स्ट सीजन में कहीं पर भी आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं जो हमारे फर्स्ट एपिसोड से ही रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हमें जवाब अगर मिलते तो थोड़ा बहुत सही रहता। हालांकि शायद मैंने सेकंड सीजन नहीं देखा ना उसका कोई ट्रेलर देखा है, तो मुझे नहीं पता शायद सेकंड सीजन में उन सवालों के जवाब मिल जाए। अगर आपने देखा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना, वैसे भी नहीं करते हो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सीजन देखा है तो उसके बारे में बता सकते हो कि वो आपको कैसा लगा। अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय करो। मेरी तरफ से तो देखो इसको मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। बाकी हिंदी डबिंग की बात करूं तो हाँ बढ़िया है, एडल्ट सीन है इसके अंदर तो बच्चे इससे दूर रहें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।